वेलकम बैक। नाज़रीन, मखसूस नशस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पी असम्बली को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। आइंदा समाअत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जवाब जमा कराएं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा हुक्म बारे। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मखसूस नशस्तों पर अकीनी असम्बली मुंतखब हुए हैं उनसे हल्फ न लेने का ये केस है। अदालत अहकाम के बावजूद भी जब अपोजिशन अराकीन से हल्फ नहीं लिया गया तो उन्होंने गुज़श्ता रोज तोहीन अदालत केस दायर की थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। आज इस केस पर समाअत हुई। अदालत ने जो है जब समाअत की तो दरख्वास्त गुजार जो वकील था उन्होंने यही मौकफ इख्तियार किया कि अदालत के अहकाम के बावजूद भी मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ नहीं लिया जा रहा है, इसे तोहीन अदालत कार्रवाई की जाए। जिस पर अदालत ने जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जो है जवाब तलब कर लिया है। जो अपोजिशन अराकीन है उन्होंने गुज़श्ता रोज यही इस्तेदा की थी कि उनसे अदालत के अहकाम के बावजूद भी हल्फ नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अदालत ने सेनेट इलेक्शन से कबल न सिर्फ हल्फ लेने की हिदायत की थी बल्कि सेनेट इलेक्शन में उनको वोट डालने का हक देने की भी हिदायत की थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था गुज़श्ता रोज। इसलिए जो है गुज़श्ता रोज ही अपोजिशन अराकीन ने अदालत से रुजू की थी और आज इस केस पर समाअत हुई और अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आइंदा समाअत पर जो है जवाब तलब कर लिया है। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे।